बहुत सारे लोगों ने सवाल पूछा है, हमारा सालों पुराना रिश्ता टूट गया, इतनी कस्में खाई थी, इतने वादे किए थे, इतनी यादें थी उस रिश्ते में, और इतने सालों पुराना रिश्ता भी टूट गया। कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि हमारा रिश्ता कभी टूट भी सकता है। इस चीज के लिए हम कभी तैयार ही नहीं थे, और आज जब ये रिश्ता टूट गया है तो बहुत तकलीफ से गुजर रहे हैं। क्यों ऐसा होता है, जो इंसान हमको आखिरी सांस तक साथ निभाने के वादे करता है, वही इंसान बीच राह में हमारा साथ छोड़ देता है, हमारा हाथ छोड़ देता है, जिसके लिए लगता है कि सारी दुनिया में बस यही एक अपना है, और एक दिन वही बता देता है कि वो हमारा कभी था ही नहीं। ये 10 बातें हैं जो हर रिश्ते में होनी चाहिए और दोनों तरफ से होनी चाहिए। अगर इन 10 बातों में से एक भी बात किसी रिश्ते में नहीं है तो वो रिश्ता आज नहीं तो कल टूट ही जाएगा। सबसे पहली बात, रिश्तों में शर्तें नहीं होनी चाहिए। जहाँ पे रिश्तों में शर्तें आ जाती हैं ना, वहाँ हम रिश्तों की उम्र कम कर देते हैं कि अगर तुम मेरे हिसाब से चलोगे, कि अगर तुम मुझे ये चीज़ देते रहोगे तभी हमारा रिश्ता चल पाएगा। जहाँ कंडीशंस हैं, शर्तें हैं, वहाँ पे थोड़े दिन तो रिश्ते चल जाते हैं, लेकिन थोड़े दिन के बाद वही कंडीशंस, वही शर्तें रिश्तों को तोड़ कर रख देती हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि प्यार में कोई नियम ही नहीं होना चाहिए। इसका सिर्फ इतना सा मतलब है कि अगर कोई रिश्ता किसी के लुक्स पे, किसी के रूप रंग पे टिका है, किसी के पैसों पे, धन पे टिका है, तो उसकी उम्र बहुत ज्यादा लंबी नहीं हो सकती। दूसरी चीज जो एक रिश्ते में सबसे ज्यादा जरूरी है वो है सच्चाई। कई बार कुछ रिश्तों की शुरुआत ही झूठ से होती है। हालांकि कुछ लोगों को इसका पता बहुत देर से चलता है, लेकिन जो रिश्ता शुरू ही झूठ से हुआ है, झूठ से ही चला है, वो एक दिन बुरी तरह से खत्म हो जाता है। जिनके भी रिश्ते खत्म होते हैं ना, उन्हें बाद में ये एहसास हो जाता है, रियलाइज हो जाता है कि वो इंसान ही झूठा था, कि उसकी तरफ से ये रिश्ता ही झूठा था, इसीलिए तो रिश्ता टूटा। अगर सच्चाई होती तो वो रिश्ता टूटता ही क्यों। सच्चाई में इतनी ताकत है, अगर दो लोग एक दूसरे के साथ सच्चे हैं ना, तो छोटी मोटी अगर मुश्किलें आएंगी भी तो वो उनको पार करके भी हमेशा एक दूसरे के साथ रहेंगे। तीसरी बात है, मुश्किल वक्त में एक दूसरे के साथ खड़े रहना। सुख के वक्त में तो सारी दुनिया साथ होती है, जो दुख में आपका साथ निभाए वही आपका सच्चा साथी होता है, और जो दुख के वक्त में आपको दुखी देखकर भाग जाए, आपको अकेला छोड़कर चला जाए, वो आपका सच्चा साथी कभी हो ही नहीं सकता। कहते हैं ना, धीरज धर्म मित्र और नारी, आपत काल परखिए चारी। आप में धीरज कितना है उसकी परीक्षा मुश्किल वक्त में होती है। आपका कोई दोस्त आपके साथ कितना सच्चा है वो मुश्किल वक्त में ही पता चलता है, और कोई स्त्री आपके साथ कितनी सच्ची है वो भी मुश्किल वक्त में ही आपको पता चलता है। चौथी बात, अपने रिश्तों की कमियां दूसरों को ना बताएं। जो लोग अपने रिश्तों की कमियां दूसरों को बताते हैं, दूसरों से सलाह लेते हैं, दूसरों से पूछते हैं, उनके रिश्तों में भी चाहे अनचाहे दरार आ ही जाती है। क्योंकि एक बात आप हमेशा याद रखना, आपके रिश्ते को आपसे बेहतर दुनिया में और कोई समझ ही नहीं सकता। इंसान का स्वभाव होता है, जब वो किसी को अपनी बात बताता है ना, तो खुद को सही दिखाता है, दूसरे को गलत। और ऐसे में क्या होता है कि दूसरे लोग आपको सही साबित कर देते हैं और आपके साथी को गलत, और इसकी वजह से भी रिश्तों में दरार पड़ जाती है। आपके रिलेशनशिप में कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी रिश्ता हो, दोस्ती का हो, प्यार का हो, पति पत्नी का हो, सास बहू का हो, दो भाइयों का हो, कोई भी रिश्ता हो, पर अपने रिश्तों की बात बाहर वालों को गलती से भी ना बताएं, क्योंकि कभी आपको उससे सही सलाह नहीं मिलने वाली। पांचवी बात, वक्त वक्त पर अपने विश्वास और प्यार का एहसास एक दूसरे को दिलाते रहें। मानव का मन ऐसा है, जैसे जैसे उसके रिश्ते पुराने हो जाते हैं ना, प्यार दिखाना और प्यार जताना भूल जाता है, उसको मायने ही नहीं देता। ये शिकायत अधिकतर शादीशुदा लोगों में ज्यादा होती है। लोगों को लगता है कि शादी के बाद प्रेम दिखाने की कोई जरूरत नहीं। वास्तविकता में प्रेम की सबसे ज्यादा जरूरत आपको शादी के बाद पड़ती है, क्योंकि तब दो लोग एक ही छत के नीचे एक साथ रहते हैं, तो उस समय बहुत जरूरत है एक दूसरे का विश्वास जीतने की और एक दूसरे को अपने प्यार का एहसास दिलाने की। और इसी से ही आपके रिश्तों को चाहे कितने भी साल क्यों ना बीत जाए, आपका रिश्ता हमेशा नया बना रहता है।
कभी पुरानापन उसमें आता ही नहीं। छठी बात, प्यार को बंधन नहीं बनाए। जब किसी रिश्ते में ना बहुत ज्यादा बंधन आ जाता है ना, तो उस रिश्ते में जुड़े लोगों का दम घुटने लगता है कि ऐसा नहीं करो, वैसा नहीं करो, मेरे साथ रहना है तो ऐसा करना ही होगा, ऐसे चलना ही होगा। ये सारी चीजें अगर किसी रिश्ते में आ जाती है ना, तो उस रिश्ते का अंत निश्चित है, वो रिश्ता ज्यादा दिन नहीं चलने वाला। इसीलिए रिश्तों में कभी भी किसी को भी बहुत ज्यादा बांधने की कोशिश ना करें। इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी को उसके भले या बुरे के बारे में ना बताएं या ना समझाएं। किसी को बताना और समझाना अलग बात है, पर किसी के ऊपर सख्ती से जबरदस्ती नियम लागू कर देना, बंधन लगा देना, रिश्तों को तोड़ कर रख देता है। सातवीं बात, ईमानदारी, ऑनेस्टी, लॉयल्टी। जब तक दो लोग एक दूसरे के साथ ईमानदार नहीं है ना, उस रिश्ते में कभी गहराई नहीं आ सकती। ऊपर से भले वो दो लोग मिल जाएं, पर आत्मा से, दिल से कभी मिल नहीं पाते। और जो रिश्ता आत्मा से नहीं जुड़ा ना, वो रिश्ता बहुत ज्यादा मजबूत नहीं होता। अगर कोई इंसान रिश्तों में धोखा देके ये सोचता है कि सामने वाले को पता नहीं चलता, तो ये उसकी भूल है। आपकी गलतियां, आपका धोखा आज नहीं तो कल कभी ना कभी जरूर उसे पता चल जाएंगी। और जिस दिन उसे ये सारी बातें पता चलेंगी, आपका रिश्ता बिखर कर रह जाएगा, खत्म हो जाएगा। इसीलिए अगर आप अपने रिश्तों की उम्र लंबी करना चाहते हैं, तो एक दूसरे के साथ दोनों जन ईमानदार रहें। आठवीं बात, समझ, अंडरस्टैंडिंग। एक दूसरे को समझें, किसी की भी बातों में ना आ जाएं। कुछ भी देख लिया, कुछ भी सुन लिया, उस पे विश्वास ना करें। जितना आप एक दूसरे को समझेंगे ना, उतना एक दूसरे को खुश रख पाएंगे। जितनी कम समझ, उतना असफल रिश्ता, जितनी ज्यादा समझ, उतना सफल रिश्ता। कई बार ना बहुत सारे रिश्ते जुड़े तो रहते हैं, पर मजबूरी की वजह से, फैमिली प्रॉब्लम की वजह से, समाज की वजह से, अपनी खुशी की वजह से जुड़े नहीं होते। कई लोग कहते हैं ऐसे कि हमारा बस चले तो आज ये रिश्ता खत्म कर दे, पर ये मजबूरी है, ये परेशानियां हैं, उसकी वजह से हम रिश्ता निभा रहे हैं। ऐसा रिश्ता होना ना होना एक बराबर है, जो किसी मजबूरी से या परेशानी से चल रहा हो। और इसके लिए बहुत जरूरी है समझ, अंडरस्टैंडिंग। आप जितना एक दूसरे को समझ पाएंगे, उतना एक दूसरे पर विश्वास कर पाएंगे, उतना एक दूसरे को खुश रख पाएंगे। नवी बात, खुलकर बात करना सीखिए। कई बार ना हम डर के मारे एक दूसरे को सारी बातें कह नहीं पाते, पर आपको ये नहीं पता कि आपका ये डर आपके रिश्तों को खा जाएगा। जितना आप एक दूसरे को खुद के बारे में खुल के बताएंगे, उतनी ही आपकी एक दूसरे के लिए समझ बढ़ेगी, उतना ही गहराई से आप एक दूसरे को समझ पाएंगे। किसी इंसान को समझने के लिए सिर्फ एक छत के नीचे रहना काफी नहीं होता है, उसकी आत्मा को छूना पड़ता है, तभी समझ में आता है कि वो इंसान वास्तव में है क्या। एक इंसान अपने आप में पूरी दुनिया के बराबर है। आसान काम नहीं है किसी इंसान को पूरी तरह से समझना। अरे लोग सारी जिंदगी में नहीं समझ पाते हैं, वो तो जब वक्त आता है तब पता चलता है कि हमने क्या समझा और क्या निकला। इसका मतलब कि आपने उसे सही कभी समझा ही नहीं था। और अगर आप रिश्तों में समझ बढ़ाना चाहते हैं, तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप पूरी तरह से एक दूसरे के साथ खुलकर बातें करें। और इसी से आपके रिश्तों में विश्वास बढ़ेगा। और जिस रिश्ते में विश्वास मजबूत है ना, उस रिश्ते को कोई नहीं हिला सकता। दसवीं बात, रिश्ता दिमाग से नहीं, दिल से निभाना सीखें। दुनिया भर के साथ ना हम दिमाग से चलते हैं कि जैसे वो हमारे साथ चलेंगे, हम भी उनके साथ वैसे ही चलेंगे, पर रिश्तों में ऐसा नहीं चलता है। रिश्तों में कई बार हमारी गलती ना भी हो तो भी माफी मांग लेने में बुराई नहीं होती। अगर वो इंसान हमारे लिए उतना प्यारा है, अगर वो रिश्ता उतना प्यारा है, अगर वो इंसान भी बिना गलती के हमसे माफी मांग लेता हो। बाहर की दुनिया में सीधा गणित होता है, 2 और 2 4, लेकिन जो दिल के करीब होते हैं ना, उनके साथ ये गणित नहीं चलता। वहां 2 और 2 22 भी होता है, वहां 2 और 2 4 भी होता है, वहां कुछ भी हो सकता है। बहुत जरूरी है कि आप अपने रिश्तों में सरल बनकर रहें, इजी बनकर रहें। दुनिया के साथ जैसे चलते हैं आप दिमाग लगा करके, रिश्तों में दिमाग से नहीं, दिल से चलिए। एक दूसरे की इज्जत कीजिए, एक दूसरे की वैल्यू कीजिए। फायदे और नुकसान से ऊपर उठकर रिश्तों को निभाना सीखिए।
जिस रिश्ते में दोनों तरफ से ये 10 बातें होंगी वो रिश्ता कभी नहीं टूट सकता। ऐसे रिश्ते को ना कोई गलतफहमी तोड़ सकती है, ना कोई कमी तोड़ सकती है और ना ही कोई मजबूरी या परेशानी तोड़ सकती है। ये जो 10 बातें मैंने बताई ये दुनिया के हर रिश्ते पे लागू होती है, चाहे वो दोस्ती का हो, चाहे वो प्यार का हो, चाहे वो परिवार का हो, दो भाइयों का हो, दो बहनों का हो। कोई रिश्ता तभी अच्छे से चलता है जब उस रिश्ते में जुड़े लोग उस रिश्ते को निभाना जानते हों।